को बधाई है हम सबकी तरफ से। थैंक यू। क्या फीलिंग्स थी राजकुमार जब तक आपको फोन आया, पता चला, या किस कैसे पता चला? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ऑलरेडी सुबह इतने अच्छे रिव्यूज़ आ गए थे फिल्म के और कल ही फिल्म रिलीज़ हुई, 4.5 स्टार्स मिल रहे थे फिल्म को, और ऊपर से ये न्यूज़ आई कि अभी ऑस्कर के लिए यू नो इंडिया की तरफ से जाएगी फिल्म, तो इट वाज अ डबल सेलिब्रेशन फॉर अस। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट वाज टू बिग। हाँ, बहुत मतलब अभी एक खुशी हो रही है कि ये डिस्ट्रीब्यूट इतने अच्छे तरह से किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं इंडिया में, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, और अभी ये जो ऑस्कर की न्यूज़ आई इंडिया ऑफिशियल एंट्री की, तो इसके वजह से अब ज़्यादा लोग अभी देखने के लिए क्यूरियस हैं, वो जाएंगे थिएटर हॉल में देखने के लिए। किस तरीके से आगाज़ हुई थी न्यूटन, थोड़ा वो भी बताएं, क्योंकि हमने सुना है उसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प। न्यूटन, मैं अमित को बहुत पहले से जानता हूँ, सिंस माई फर्स्ट फिल्म LSD, ही वॉज डूइंग द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म। मैं हमेशा से इनको बहुत पसंद करता था, इनकी पहली फिल्म सुलेमानी कीड़ा को भी बहुत अप्रिसिएशन मिला था, एंड देन वन डे मनीष मुंद्रा आर प्रोड्यूसर एक्चुअली ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी अबाउट द स्टोरी एंड ही टोल्ड मी दैट अमित वुड बी डायरेक्टिंग, सो आई वॉज एनीवेज थ्रिल्ड कि मनीष बना रहे हैं तो सेंसिबल होगा, ऊपर से अमित हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी सेंसिबल स्टोरी होगी। फिर मैंने जब कहानी पढ़ी तो आई फाउंड इट वेरी यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट थी कहानी, जिस बारे में बात कर रही थी वो एक अभी तक कहा नहीं गया उसके बारे में, और एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी थी फिल्म में, सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, ऐसी बहुत कम स्क्रिप्ट आती हैं। एंड देन ही टोल्ड मी कि हम लोग को छत्तीसगढ़ के जंगल में शूट करना है, आज लाइक अमित आई यू श्योर, लाइक यू नो मुझे थोड़ा सेंसिटिव एरिया हम सबको पता है, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। हम लोगों ने वहाँ जो शूट किया और जो रियलिज्म आया है, वहाँ की लोकेशन ने जो हेल्प की है फिल्म में, वहाँ के लोगों ने जो हेल्प की है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया लोकेशन ने हमारी फिल्म में। नहीं नहीं मैं तो काफ़ी पहले से डिसाइड कर लेता मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है सिंस माय स्कूल डेज, और पता था कि अगर हिंदुस्तान में एक्टर बनना है हिंदी फिल्मों में तो मुंबई ही आना है, तो हमेशा से तैयार था मैं इसके लिए, बट आई ट्रेन माई सेल्फ, आई गॉट ट्रेनिंग इन एक्टिंग इन FTI, आई डिड थिएटर फॉर 3 ईयर्स, सो आई केम हेयर क्वाइट प्रिपेयर्ड, पर ऑफकोर्स बहुत ही अलग सिटी है अभी भी, लाइक आई स्टिल फील लाइक यू नो दिस क्यूरियस किड फॉर होम लाइक सिनेमा इज दिस सरियल पैरेलल ग्लैमरस वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम स्टिल लिविंग इन दैट ड्रीम।